से बिहार में जनता दल यूनाइटेड ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार से बेदखल करके राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बना ली, तब से एक खास बात पत्रकारिता में देखी जा रही है, वो ये है कि फेक न्यूज बड़े पैमाने पर फैलाने की कोशिश की जा रही है। कल की घटना, कल और परसों की घटना अगर आप याद करें, जिसमें बिहार के एक बड़े अखबार दैनिक जागरण ने बड़ी सी खबर में छापी, में यह बताया कि शिवरात्रि की छुट्टी को रद्द कर दी गई है और स्कूलों में ईद और मुहर्रम की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं, जबकि ये सरासर गलत खबर थी। और इस गलत खबर की वजह से लगातार कल और परसों दो दिनों तक बिहार में एक सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की कोशिश की गई और नेताओं ने इस पे गंभीर टिप्पणियां की, यहाँ तक कि नीतीश कुमार को यहाँ तक कहा गया कि वो बिहार में इस्लामिक स्टेट लाना चाहते हैं क्योंकि वो ईद की छुट्टी को बढ़ा रहे हैं और शिवरात्रि जैसे पर्व की छुट्टी को ख़त्म कर रहे हैं। जबकि हकीकत यह थी कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने 27 तारीख की को दो अधिसूचनाएं निकाली, पहला सामान्य स्कूलों के लिए था और दूसरा उर्दू स्कूलों के लिए था। उर्दू स्कूलों की जो सूचना थी 2694, इसमें यह कहा गया था कि शिवरात्रि की छुट्टी उर्दू स्कूलों में नहीं रहेगी और उसके बदले जो एक दिन की छुट्टी बचती है ये वो उन्हें ईद पर दे दी जाएगी। दूसरी तरफ 2693 जो अधिसूचना जारी की गई वो सामान्य स्कूलों के लिए थी और उसमें ये स्पष्ट रूप से था कि शिवरात्रि की छुट्टी रहेगी, होली, दिवाली, दशहरा, छठ तमाम छुट्टियां जस की तस बनी रहेंगी। लेकिन दैनिक जागरण और न्यूज़ 18 ने जिस तरह से भ्रामक झूठ और फेक न्यूज़ फैलानी शुरू की, उसके बाद इन्हीं चैनलों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को फ़ोन कर करके उनसे प्रतिक्रिया ली गई और लगातार दिन भर ऐसा चलता रहा कि लग रहा था कि बिहार सरकार ने एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। और मीडिया के द्वारा भी ये बताने की कोशिश की गई कि हिंदुओं के साथ भेदभाव बरता जा रहा है और ऐसी स्थिति में एक सांप्रदायिक उन्माद भड़काने की कोशिश की गई। आपको यह भी याद होगा कि मार्च के महीने में तमिलनाडु में बिहार के कुछ मजदूरों की अलग अलग कारणों से मौत हो गई थी और इस मौत में कहीं भी बिहार और तमिलनाडु के बीच में नफरत का एंगल नहीं था। लेकिन बिहार के इन्हीं दो तीन बड़े अखबारों ने, जिसमें जागरण भी शामिल था, हिंदुस्तान भी शामिल था, इन लोगों ने ऐसे खबरें परोसना शुरू की कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के ऊपर जुल्म किया जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है। और इसके बाद ये खबर इस तरह से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कि हज़ारों लोगों को तमिलनाडु छोड़ करके बिहार पलायन करना पड़ा। इसके बाद तमिलनाडु की सरकार काफ़ी चिंतित हुई, यहाँ बिहार की सरकार को भी बार बार स्पष्टीकरण देना पड़ा कि ऐसी घटना नहीं है। लेकिन ज़रा सोचिए कि जो मार्च में जो स्थितियाँ बनी थी, उन स्थितियों के बाद किस तरह से दो राज्यों के बीच में एक टकराव पैदा करने की कोशिश की गई बड़े अखबारों के द्वारा, जिसमें मैंने कहा कि दैनिक जागरण, हिंदुस्तान जैसे अखबार, यहाँ तक कि भास्कर भी उसमें लिप्त था। और कल परसों की जो घटना है, आप ये देखेंगे कि झूठ को एक खबर के रूप में प्लांट किया जाता है, जो अधिसूचना में नहीं है उस सूचना को सूचना की तरह, खबर की तरह प्लांट किया जाता है और उस खबर को प्रसारित किया जाता है और उसके बाद सांप्रदायिक उन्माद भड़काने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से प्रतिक्रिया ली जाती है। इस पूरे दिन तक कल देखने को ये मिला कि सरकार की पार्टी के जितने भी नेता थे वो आत्मरक्षा में आए और उन्हें यह कहना पड़ा कि इस तरह की अगर कोई गलती हुई है तो सुधारी जाएगी, जबकि शिक्षा विभाग का जो अधिसूचना थी उस अधिसूचना में इस तरह की कोई बात नहीं थी। अब यहाँ सवाल यह होता है कि क्या इतनी आज़ादी पत्रकारिता को झूठ की फैक्ट्री के रूप में इस्तेमाल करने की दी जा सकती है? क्या इतनी आज़ादी दी जा सकती है कि मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन फैलाएं, लोगों में उन्माद भड़काएं, देश की एकता और अखंडता को खतरे में डालें? यह पत्रकारिता में किसी भी तरह से इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में बिहार सरकार को क्या करना चाहिए? तमिलनाडु से प्रेरणा लेनी चाहिए। तमिलनाडु की सरकार ने फेक न्यूज फैलाने वाले को मार्च में अनेक यूट्यूबर्स पे केस किया था, जिसमें कई यूट्यूबर अभी भी तमिलनाडु की जेलों में बंद हैं।
बिहार में जिस तरह की पत्रकारिता चल रही है और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार को एक तरह से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उनके ऊपर एक खास समुदाय के विरोधी होने का जो ठप्पा लगाया जा रहा है और इसका बड़ा नुकसान ऑलरेडी हो चुका है कल की खबर के बाद, लेकिन सरकार का इस मामले में चुप रहना आश्चर्यजनक है, क्योंकि सरकार को ये चाहिए कि अगर आप पत्रकारिता करते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि पहला तो आप झूठी खबर न फैलाएं, अफवाह न उड़ाएं और अफवाह को हवा देने वाली किसी भी खबर को आप प्रकाशित न करें। लेकिन जिस तरह से तथ्य को तोड़ मरोड़ करके दैनिक जागरण ने छापा और उसके बाद इसी खबर को न्यूज़ 18 बिहार ने जिस तरह से फैलाया और उसके बाद बिहार के बड़ी आबादी को प्रभावित करने की कोशिश की गई और ये बताने की कोशिश की गई कि बिहार की नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार है हिंदू विरोधी है, क्योंकि वो हिंदुओं के पर्व के अवसर पे छुट्टियों को काट देती है जबकि मुसलमानों के पर्व छुट्टियों की संख्या बढ़ा देती है। इस सिलसिले में भारत सरकार भी काफ़ी गंभीर दिखती रही है। पिछले दिनों अगस्त की बात है कि भारत सरकार ने अपने संसद में एक बिल लाया था जिसमें फेक न्यूज़ के खिलाफ कानून बनाने की बात थी। ये बिल संसद से पास भी हो चुका है। इस बिल की धारा 195(d) में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति, संगठन या संस्थान, चाहे वो पत्रकारिता का हो या सिर्फ सोशल मीडिया पे निजी स्तर पे इस तरह की बातें जो पूरी तरह से सरासर झूठ हो, अफवाह हो और जिससे भारत की संप्रभुता को, भारत की अखंडता को, देश की एकता को और सांप्रदायिक सौहार्द पे असर पड़ता है, तो इसे फेक न्यूज़ के जुमरे में रखा जाता है और उनके खिलाफ 195(d) के तहत उनके ऊपर केस किया जा सकता है और उन्हें 3 साल तक कारावास हो सकती। इससे पहले 153(b) के तहत जो मार्च की घटना घटी थी जिसमें तमिलनाडु के ऊपर यह आरोप लगाया गया था कि वहां की सरकार बिहारियों के साथ प्रताड़ना करती है, वहां के लोग बिहारियों के साथ हिंसा करते हैं और इस भ्रामक खबर को फैला देने के बाद बड़े पैमाने पे बिहारियों को वहां से भागना पड़ा था, तो 153(b) के तहत अनेक यूट्यूबर्स पे केस किया गया था। लेकिन उस वक्त भी ये बड़े अखबार बच गए थे। जिस तरह की आज अगर उस वक्त इनके खिलाफ कार्रवाई की गई होती तो फिर इन अखबारों में इतना साहस नहीं होता, इन टेलीविज़न चैनलों में इतना साहस नहीं होता कि वो इस तरह की झूठी बल्कि महाझूठ पर आधारित खबरों को प्रकाशित करें और जिससे राज्य में अशांति का खतरा हो, जिसमें राज्य में एकता और अखंडता पर खतरा हो और जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा हो। ऐसे में नीतीश कुमार की सरकार को इस बात पे सोचना ही होगा कि ऐसे पत्रकारिता पे और पत्रकारिता के ऐसे संस्थान पे अगर केस नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में, चुनाव के समय में, ये लोग और बड़ा बवंडर कर सकते हैं और झूठ फैला सकते हैं और उन्माद फैला सकते हैं। ऐसे में इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है तो यह याद रखना होगा कि नीतीश कुमार की सरकार को आने वाले दिनों में यही भाजपा पोषित अखबार और यही गोदी मीडिया उन्हें चैन से नहीं रहने देंगे।